नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौतम। मेरा मेडिसिन एंड हेल्थ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जिस दवाई के बारे में आपको बताएंगे या जानकारी देंगे, वो दवाई हमारे लिए एक अमृत समान है। ये दवाई एलोपैथी एवं आयुर्वेद का एक ऐसे कॉम्बिनेशन दवाई है जो दवाई हमारा पेट को एवं पेट के निचले हिस्से जहाँ पर कोलोन होता है या बृहदंत्र होता है और जहाँ से हमारा इम्यूनिटी को मजबूत करने का शक्ति मिलता है, पावर मिलता है, वो कोलोन या बृहदंत्र को एक्टिव करने में, उसका काम को सही से करने में ये दवाई मदद करता है। इसके अलावा ये दवाई हमारा खाने में जो कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, उसको अच्छा तरह से एब्जॉर्ब करने में या अवशोषण करने में ये दवाई मदद करता है, जिसके वजह से ये कैल्शियम एवं मैग्नीशियम डायरेक्ट हमारा हड्डियों तक पहुंचाने में मदद मिलता है और इससे हमारा बोन या हड्डी बहुत मजबूत ताकतवर बनता है, स्ट्रांग बनता है। इसके अलावा हमारा कोलोन या बृहदंत्र में जो गुड बैक्टीरिया होता है, जो ये कोलोन को वाल या दीवारों को सही से काम करने में मदद करता है, उस गुड बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया के संख्या को बढ़ाने में एवं स्थितिशील रखने में ये दवाई मदद करता है। इसके अलावा ये दवाई के इस्तेमाल करने से आपका जो कोलोन है या जो बृहदंत्र है, आंतों में जो इन्फेक्शन होता है और जो इन्फेक्शन के वजह से आदमी को कभी कभी कैंसर हो जाता है, उससे रक्षा करने के लिए ये दवाई मदद करता है। अर्थात ये दवाई हमारा कोलोन या आंतों के इन्फेक्शन को ठीक करने में बहुत मदद करता है। इसके अलावा ये दवाई हमारा जो तीव्र दस्त होता है या गंभीर दस्त होता है, और उस दस्त को रोकने के लिए जो दवाई के इस्तेमाल किया जाता है, उस दवाई के साथ अगर ये दवाई मिला के दिया जाए तो दवाई का काम 4 गुना तक बढ़ जाता है एवं तुरंत हमें आराम मिलने लगता है। इसके अलावा भी हमारा बॉडी में, पेट में जो एसिडिटी होता है, जिन बीमार से आजकल हर कोई परेशान है, उस एसिडिटी के जो दवाई हमें खाना पड़ता है, जो दवाई खाते खाते वो दवाई रेजिस्ट हो जाता है, काम नहीं कर पाता है, लेकिन उस दवाई के काम को लॉन्ग टाइम तक एक्टिव रखने में मदद करता है ये दवाई। एसिडिटी के दवाई के साथ साथ अगर ये दवाई इस्तेमाल किया जाता है तो उसका काम भी बहुत दिनों तक एक्टिव रहने में मदद करता है। तो दोस्तों, आज जिस दवाई के बारे में आपको जानकारी देंगे, सबसे पहले वो दवाई के कंपनी एवं दवाई के नाम आपको बताएंगे, उसके बाद दवाई का कंपोजिशन के बारे में आपको जानकारी देंगे, उसके बाद दवाई के फायदे, कौन कौन से बीमारियों में दवाई लेना चाहिए उसके बारे में आपको जानकारी देंगे, इसके अलावा दवाई का डोज के बारे में आपको जानकारी देंगे, कब और कितना दवाई लेना चाहिए उसके बारे में आपको बताएंगे, उसके बाद दवाई का MRP या कीमत के बारे में आपको जानकारी देंगे एवं सबसे आखिर में ये दवाई कहाँ उपलब्ध होता है, कहाँ पर आपको मिलेगा उसके बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आज जिस दवाई के बारे में आपको जानकारी देंगे, सबसे पहले एक बार उसका इमेज देख लीजिए। दोस्तों, ये रहा उस दवाई का इमेज। ये क्रोनिक रेमेडीज फार्मास्यूटिकल का दवाई है। इसका नाम है जियो लैक सैचेट या पाउडर, ZEOLAC, जियो लैक सैचेट या पाउडर। ये जियो लैक सैचेट एक मल्टी कॉम्बिनेशन वाला दवाई है। दोस्तों, ये दवाई के अंदर
बहुत सारा दवाई मिला हुआ है और सबसे बड़ी बात है ये दवाई एलोपैथी एवं आयुर्वेदिक का कॉम्बिनेशन वाला दवाई है। इसलिए इस दवाई का फायदे के बारे में आपको जितना भी जानकारी देते हैं वो कम ही होता है, इसका अनगुणत फायदा मिलता है इस्तेमाल करने से। तो दोस्तों इस दवाई का जो कॉम्पोजिशन है सबसे पहला है फ्रुक्टो ऑलिगो सैचराइड, इनुलिन, जिंक ग्लूकोनेट, लैक्टिक एसिड बैसिलस, विटामिन बी वन, विटामिन बी टू, विटामिन बी सिक्स और फोलिक एसिड। ये दवाई के साथ साथ जो आयुर्वेदिक का दवाई मिला हुआ है उसको बारे में आपको जानकारी देते हैं। अजवाइन, क्यूमिन, जिंजर, हींग मिला हुआ है। इतने सारा दवाई मिलके ये जियोलैक्स सैचेट बना हुआ है। दोस्तों ये क्रोनिक रेमेडीज का जो जियोलैक्स सैचेट है या पाउडर है ये ह्यूमन बॉडी का जो इंटरनल मेन पार्ट है, जो हमारा पेट है और पेट का जो मुख्य भाग है, जो कोलन है, जिसे बृहदंत्र या आंत कहते हैं, उसी से हमारा बॉडी को इम्यूनिटी पावर मिलता है। लगभग 70% इम्यूनिटी हमारा शरीर को यही पेट से या कोलन से मिलता है। जो कोलन का वाल है, बृहदंत्र का जो दीवार है, उस दीवार के जरिए ये इम्यूनिटी बूस्ट अप होता है और उस कोलन या बृहदंत्र के वाल को मजबूत करने में, एक्टिव रखने में ये दवाई मदद करता है, जिसके वजह से हमारा बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम में कभी कमी नहीं आता है, हमारा बॉडी कभी भी बीमार ग्रस्त नहीं होता। और इसके साथ साथ जो हमारा कोलन या बृहदंत्र और उसका वाल है, वहां पर जो गुड बैक्टीरिया या अच्छा बैक्टीरिया होता है उसको संख्या को बढ़ाने में एवं उसको उज्जीवित करने में, स्थिर रखने में ये दवाई मदद करता है। और दोस्तों हमारा कोलन में या बृहदंत्र या आंतों में जो इन्फेक्शन हो जाता है कभी कभी, जिस इन्फेक्शन के वजह से ह्यूमन बॉडी को या कोलन को कैंसर तक हो सकता है, उस भयानक बीमारी से, कैंसर से प्रतिरोध करने में, कोलन का इन्फेक्शन को कम करने में इस दवाई का जोड़ी नहीं है। ये इतना अच्छा काम करता है जो कोलन का इन्फेक्शन तुरंत कम होने लगता है और इसी वजह से जो कोलन कैंसर से पीड़ित होना पड़ता है उससे पेशेंट बच सकता है। इसके अलावा हमारा पेट के गड़बड़ी में या गलत खाना खाने के वजह से जो गंभीर दस्त या तीव्र दस्त होता है, उस दस्त को तुरंत रोकने के लिए जो दवाई दिया जाता है, उस दवाई के साथ अगर ये जियोलैक्स सैचेट मिलाया जाते हैं तो दवाई का काम 4 गुना तक बढ़ जाता है एवं तुरंत दस्त के पर काबू पाने में मदद करता है। इसके अलावा हमारा पेट में जो एसिडिटी पैदा होता है और जिस एसिडिटी के वजह से आजकल हर एक परेशानी में है, उस एसिडिटी का जो दवाई हम लेते हैं और लेना ही पड़ता है, कभी कभार वो दवाई लेते लेते वो काम करना ही बंद कर देता है। दवाई खाने के बाद भी एसिडिटी कम नहीं होता है, परेशानी कम नहीं होता है, तब उस एसिडिटी के दवाई के साथ अगर ये मिलाया जाता है वो दवाई कभी रेजिस्ट नहीं करता, वो दवाई हमेशा काम करता है एवं हमारा एसिडिटी तुरंत अच्छा होने लगता है, आराम लगने लगता है।
और दोस्तों हम जो खाना डेली खाते हैं उस खाना में बहुत सारा बैक्टीरिया होता है, जो बैक्टीरिया हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होता है। ये जियोलैक सैचेट का इस्तेमाल करने से वो जो हानिकारक बैक्टीरिया होता है जो हमारा बॉडी को नुकसान पहुंचाता है उसको मारने में ये दवाई मदद करता है। तो दोस्तों ये दवाई का बहुत सारा गुण है, फायदा है, लेकिन एक बात है, ये दवाई आसानी से हर एक मेडिकल स्टोर में आपको उपलब्ध नहीं मिलेगा। इसका अवेलेबिलिटी बहुत कम होता है इंडिया में। अगर आप ये दवाई इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा, तब जाके आप ये दवाई पा सकते हैं। तो दोस्तों ये दवाई तो पाउडर के फॉर्म में आता है, ये थोड़ा लाइक वार्म या हल्का गर्म पानी के साथ मिला के ये सुबह खाना खाने के बाद एवं रात में खाना खाने के बाद एक पाउच एक सैचेट घोल के पानी के साथ पीना पड़ता है। दिन में 2 बार खाना खाने के बाद आधा गिलास हल्का गर्म पानी में ये पाउडर को मिला के पीना पड़ता है। कम से कम आप 15 दिन से 1 महीना तक इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी से आपका लॉन्ग टाइम तक फायदा मिलते रहेगा। हर साल में अगर आप ये दवाई 15-20 दिन तक इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये जो समस्या मैं बताई है इन सब से आपको मुक्ति मिलेगा। इसका रिस्क या झुकी बिल्कुल कम हो जाएगा। और दोस्तों ये जो क्रोनिक रेमेडीज फार्मास्यूटिकल का जियोलैक सैचेट है, ये एक सैचेट में 4.5 ग्राम पाउडर उपलब्ध होता है जिसका एमआरपी या कीमत है सिर्फ 20 रुपया, 20 रुपीज ओनली। और दोस्तों ये दवाई जैसे मैं पहले बता चुका हूं ये आसानी से उपलब्ध नहीं होता है, थोड़ा आपको कोशिश करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, तब जाके आप ये दवाई पा सकते हैं, आपको ये दवाई मिल सकता है। और दोस्तों ये दवाई का जो टेस्ट है वो ऑरेंज का टेस्ट है, बहुत स्वीट है, अच्छा लगता है पीने के लिए। और ये दवाई सबसे बड़ी बात है ये दवाई शुगर फ्री भी है, इसमें शुगर मिलाया हुआ नहीं है, इसलिए हर कोई जिसे डायबिटीज है वो पेशेंट भी ये दवाई को ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे भी इसका फायदा मिल सकता है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एवं शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी एक्टिवेट कर दीजिए, मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।